नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल न्यूज़ में। आज के आर्टिकल में बताएंगे आने वाले 24 घंटे में आ सकता है चक्रवाती तूफान। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों में इन राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट। साल 2020 के पहले चक्रवाती तूफान अम्फन को लेकर मौसम विभाग ने ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान अम्फन ओडिशा के 12 जिलों में कहर ढा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 मई की शाम तक चक्रवाती तूफान भीषण रूप ले सकता है। ओडिशा सरकार ने तटवर्ती जिलों में प्रशासन को तूफान से निपटने के लिए तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा के 12 जिलों में अम्फन का सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने बताया कि चक्रवात के खतरे को देखते हुए और स्थितियों से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसको लेकर शुक्रवार को समीक्षा बैठक की गई। सभी जिला कलेक्टरों, खास तौर से उत्तर ओडिशा के जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि वे स्थिति पर बराबर नजर रखें। ओडिशा के साथ तूफान का असर कई राज्यों में दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में दिल्ली, NCR समेत कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पूर्वी तटों पर तमिलनाडु और पुंडुचेरी से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर जैसे तटीय क्षेत्रों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और समुद्र के दक्षिण में न जाने की सलाह दी है। विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जैन के मुताबिक तूफान के खतरे को भांपते हुए ओडिशा डिजास्टर एक्शन फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और अग्निशमन कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्हें पूरी तरह से तैयार रखने को कहा गया है। हालांकि उनकी तैनाती का निर्णय IMD से चक्रवात के रास्ते के बारे में संकेत मिलने के बाद लिया जाएगा।